नमस्कार, स्वागत आप सभी का। साथियों, आप देख रहे हैं NSS न्यूज चैनल का। सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा लें, वीडियो को शेयर करें। कच्चे कर्मचारियों के बारे में एक बड़ा लेटर। हाँ जी साथियों, हरियाणा के बारे में आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, यहाँ इंग्लिश में लिखा है और नीचे हिंदी में लिखा है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा पूरा। ये राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का ये लेटर है। कई कर्मचारी 10 वर्ष के अधिक कार्य करते हैं, जिन्होंने 10 वर्ष या इससे अधिक काम करते वक्त हो गया डिपार्टमेंट में। साथियों, सरकारी सेवा में आने के लिए अवरेज हो जाते हैं। जब ये सरकारी सेवा में कच्चे कर्मचारी के तौर पे काम करते रहेंगे तो अवरेज तो होंगे ही साथियों, जिस कारण रेगुलर सर्विस में आने योग्य नहीं रह जाते। यदि कोई वैकेंसी निकल जाती है, मान लीजिए आप ANM लगे हैं, मान लीजिए GNM लगी हैं, या कोई भी वार्ड बॉय है, इसके अलावा डॉक्टर लगा है या कोई ऑपरेटर लगा है, और आप जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी एज से अवरेज हो जाते हैं, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट पर कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करते वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा समय हो गया। इट मीन्स साथियों 10 वर्ष हो गए। इसके अतिरिक्त इन्हें छूट देकर भर्ती किया जाता तो विभाग अनुमोदित कर्मचारी सेवा प्राप्त होती। इसमें लिखा है यदि इनको छूट दी जाए तो डिपार्टमेंट को एक अच्छा कर्मचारी मिलता। उसी स्थिति में मद्देनजर अधिकारी गण सहमत हों, महानिदेशक स्वास्थ्य विभाग हरियाणा सरकार उक्त अनुसार जिन सेवाओं NHM में 10 वर्ष हो चुके हैं, इन्होंने लिखा कि जिसने NHM में नेशनल हेल्थ मिशन में 10 वर्ष हो चुके हैं उन्हें पॉलिसी बनाते हुए नियमित करने के बारे में अनुरोध किया जाए। अनुरोध किया गया है साथियों, ये NHM डायरेक्टर चंडीगढ़ के द्वारा उन पर लिखा है, और नीचे आप साइन देख सकते हैं, प्रधान के, साक्षर मिशन, NHM डायरेक्टर, सभी के इसके अंदर साइन है। सरकार को ये लेटर भेजा जाएगा और इसमें साफ साफ लिखा है, और ये डिपार्टमेंट की तरफ से चला जाएगा NHM की तरफ से, और ये पॉलिसी बनाई जाए 10 वर्ष की, और जिसके अंदर सभी की। यदि ये 10 वर्ष NHM में लागू हो गया साथियों तो घबराने की जरूरत नहीं है, तो ये पूरे डिपार्टमेंट, इट मीन्स साथियों पूरे हरियाणा में सभी डिपार्टमेंटों में लागू हो जाएगा। क्योंकि यदि 10 वर्ष में NHM में लागू है तो सभी, वो PWD डिपार्टमेंट है, वो BDO डिपार्टमेंट है, या तहसील के अंदर आप काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर, सभी जगह। मान लीजिए आपकी उम्र 46 साल हो गई और आपको 10 वर्ष काम करते हो गए तो भी आप अप्लाई कर सकेंगे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, यदि इस लेटर को मंजूरी मिल जाती है। हालांकि उड़ीसा राज्य में इसको मंजूरी मिल चुकी है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है साफ साफ। वीडियो को शेयर करें साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।